हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज ग्रामर की बात करते हैं और ग्रामर में आपके समक्ष एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। आइए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब जो बोलता है, कहता है क्या कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हमेशा प्रयुक्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब हो, जो क्रियाएँ होती हैं, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलती रहती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यही होता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे जैसे जो सब्जेक्ट होगा, जो उसका पर्सन होगा, जो सिंगुलर या प्लूरल होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती हैं। उसी के बारे में आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 1 की अगर बात करते हैं हम लोग, वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल होगी। यानी इसको बोलते हैं एस एस पी पी। ओके, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर क्रिया भी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल क्रिया भी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। रेखा इज प्लेइंग विथ बॉल, तो रेखा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ है। सॉरी, जंपिंग ऑन द रूफ तो इज है और सॉरी सिंगुलर है। स्टूडेंट्स आर हो गया, देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल यूज हो रही है। ओके, फटाफट चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रूल नंबर 2 कह रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट या उसे अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर की होती है। यानी कह रहे हैं दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हों, ठीक है, और एंड से वो जुड़े हों तो क्रिया हमेशा प्लूरल होगी। जैसे मीना और बीना सहेली हैं तो मीना एंड बीना दो लोग हैं, आर फ्रेंड्स। यू ही एंड आई आर क्लासमेट्स, तुम वह और मैं क्या हैं, कक्षा में साथी हैं। तो कहने का तात्पर्य ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक ट्विस्ट है। यहाँ जो रूल अप्लाई होता है वो 2-3-1 का होता है, 231, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यूज करके हम बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि दो कर्ता एंड से जुड़े हों किंतु वे मिलकर एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत करते हों तो वहाँ पर क्रिया सिंगुलर होगी। दो व्यक्ति या वस्तु, जैसे घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी को द हॉर्स एंड कैरेज इज ऑन द रोड। ध्यान रखिएगा, अब द हॉर्स एंड द कैरेज एक साथ हो गया है तो सिंगुलर माना जा रहा है, इसने इज ऑन द रोड बोल दिया गया है। समय तथा ज्वार किसी का प्रतीक्षा नहीं करते तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर माना गया है। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें है फ्रेंड्स, द हॉर्स एंड द कैरेज हो जाए ना तो फिर हमारी जो क्रिया इज है वहाँ आर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ दिस स्कूल इज कमिंग हियर, तो देखिए द मैनेजर, द प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों एक स्कूल के हैं तो हम इज कमिंग हियर बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आ जाए द मैनेजर और द प्रिंसिपल, अलग अलग दोनों में आर्टिकल जुड़ा होगा तो वहाँ पर क्रिया जो होगी वह प्लूरल होगी। ध्यान रखिएगा प्लूरल होगी। ओके, यदि दो कर्ता एक वचन के हों और वे आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हैं तो उनकी क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, आइदर अजय आर मुकेश हैज बीटन द क्लर्क, तो ध्यान रखिएगा जब आइदर आर से जुड़े होंगे तो श्योर है कि हमारा जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी। नाइदर माई ब्रदर और नार योर ब्रदर हैज अब्यूज हिम, तो यहाँ भी देखिए सिंगुलर वर्ब का बात किया जा रहा है। लेकिन आगे कह रहा है कि यदि आइदर आर तथा नाइदर नार से जुड़े दो कर्ता भिन्न भिन्न नंबर के हों तथा एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं और वर्ब भी उसी के अनुसार प्रयोग की जाती है। देखिए कह रहा है कि अगर आइदर आर और नाइदर नार से वहाँ के शुरू हुए हों, लेकिन कह रहे हैं कि उनके जो पर्सन हैं कर्ता अलग अलग हों तो जो प्लूरल वाला होगा वो बाद में प्रयुक्त होगा और जो सिंगुलर होगा पहले यूज होगा और जो बाद में प्रयुक्त होगा उसी के अनुसार हमारी क्रिया भी यूज होगी। जैसे आइदर दुष्यंत आर हिज सिस्टर्स, देखिए प्लूरल है तो बाद में यूज होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा हैव ब्रोकन दिस प्लेट्स आया है, तो हैव जो है प्लूरल है और इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। आइदर आर और नाइदर नार किससे जुड़े हों, आइदर आर से या नाइदर नार से सब्जेक्ट अगर जुड़े हों लेकिन अलग अलग पर्सन्स के हों यानी भिन्न भिन्न नंबर के हों तो ध्यान रखिएगा बाद वाले अर्थात अंत वाले के साथ जिसकी क्रिया प्लूरल होगी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नाइदर द टीचर नॉर स्टूडेंट्स हैव, देखिए प्लूरल हो गया है। यदि नाउन से पूर्व इच एवरी आइदर नाइदर या मेनी ए लगा हो तो वाक्य की क्रिया सीधा सिंगुलर होती है। यानी इच ऑफ दिस कैडेट्स प्रेजेंट्स ए नाइस डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए प्रेजेंट्स सिंगुलर है, अब इच के लिए हम सिंगुलर का यूज किए। मेनी ए मैन गोज, गोज सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो उस वाक्य को की वर्ब उस कर्ता के अनुसार की जाती है जो बाद में लिखा जाता है। तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो अगर आया है और कह रहा है कि अंत में जो है ना उसी के अनुसार होगा। अब नॉट ओनली प्लेयर्स, तो देखिए प्लेयर्स है, बट द टीचर आल्सो वॉज गिविंग सपोर्ट टू द डिसिप्लिन, तो देखिए बाद वाला टीचर है तो टीचर के साथ वाज का प्रयोग हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बट आल्सो से जुड़ा हो
लेकिन कह रहा है उस वाक्य का जो वर्ब है ना उस कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है जो बाद में लिखा जाता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो में, बट आल्सो के पास जो यूज हो रहा है उसके अनुसार क्रिया हमेशा यूज होगी। केवल पुत्र ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी भोजन खाना खा रही थी, भोजन में खाना खा रही थी। तो हो जाएगा फ्रेंड्स नॉट ओनली द सन बट आल्सो हिज मदर। अब देखिए हिज मदर सिंगुलर तो आ गया, टेकिंग डिनर इन द फेस्ट, फेस्ट में दावत हो रहा है भोज। यदि आर अथवा नार से जुड़े दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के हों, ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न पर्सन के हों, तो कर्ता अनुसार लगती है जो बाद में प्रयोग हो रहा है, यानी वो वहाँ क्रिया का प्रयोग ऐसे होगा जिसका जो अंत वाला प्रोनाउन है या अन्य वाला जो पर्सन है उसके कार्य होगा। जैसे या तो तुम या मैं इस मामले में दोषी हैं, तो आइदर यू आर आई एम गिल्टी इन दिस मैटर। तो देखिए अंत वाला आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग हो गया है। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, योर ब्रदर हैज, यू के साथ तो हैज होता नहीं है लेकिन योर ब्रदर हैज है, तो श्योर के बाद वाले के साथ क्रिया का यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर नोट दिखा रहा है, नोट ये दिखा रहा है कि अगर पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करता के रूप में 231 के नियमानुसार करते हैं, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ऑलरेडी मैं बता दूंगा हूँ, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 कह रहा है कलेक्टिव नाउन के समूह का आभास होता है, ये तो सही है, कलेक्टिव नाउन से समूह का ही आभास होता है। तो कह रहे उसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग किया जाता है, यानी दिस क्लास है तो इज, द बैंड ऑफ लूटर्स है तो हैज, द प्रोसेशन, प्रोसेशन मैंने जुलूस होता है तो है, यानी जो कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव नाउन के बाद जो क्रिया यूज होता है वो सिंगुलर होगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन से जब हमारा आशय समूह से व्यक्तियों से होता है तो वहाँ क्रिया का प्रयोग सदस्य के मतानुसार किया जाता है। जैसे यदि कह रहे हैं कि यदि समूह एक मत है, ठीक है, जैसे ज्यूरी है और ज्यूरी का सबका डिसीजन एक है, तो वहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे द ज्यूरी इज ऑफ वन ओपिनियन इन दिस केस, यानी जितने भी जज का समूह है सबका ओपिनियन एक है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है। लेकिन आगे कह रहा है यदि सदस्यों की जो मान्यता है ना वो भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर क्रिया प्लूरल होगी। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स कॉन्टेंट इन दिस मैटर। अब देखिए द ज्यूरी हैज गिवन इट्स कॉन्टेंट इन दिस मैटर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, इसकी बात कर रहा है जजों की ज्यूरी, देखिए द ज्यूरीज वेयर, यानी इसकी बात यहाँ कर रहा है द ज्यूरीज वेयर, यानी जब मान्यता सबका ओपिनियन एक हो तो सिंगुलर यूज होगा, यदि अलग अलग मान्यता वाले ज्यूरीज हैं, ज्यूरी बोले तो सदस्यों सॉरी जजों का समूह है, अलग अलग है तो वहाँ पर हम क्रिया प्लूरल यूज करेंगे। किसी पुस्तक का नाम यदि प्लूरल दिखाई देता है तो सिंगुलर क्रिया का यूज करेंगे। जैसे अरेबियन नाइट्स लिखा है तो अरेबियन नाइट्स में यस आया हुआ है, तो जैसे लग रहा है प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिंगुलर किताब का नाम है तो इज का ही प्रयोग करेंगे। संज्ञा प्लूरल नंबर की है और उसमें एक निश्चित रकम दूरी आभास हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट का ही, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 हम बोल रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना 15 मील, तो 15 माइल्स लिखते हैं, 15 माइल्स लिखते हैं, लेकिन हम सिंगुलर वर्ब की ही बात करते हैं क्योंकि माइल्स की दूरी की आभास को करा रहा है ना, तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। 10,000 रुपया लिखा है मासिक वेतन है तो हो जाएगा 10,000 रुपीज इज हर मंथली सैलरी, तो 10,000 जो है ना इज का बात हुआ है। 20 किलोमीटर्स प्लूरल है लेकिन इज की बात हुई है, दूरी या रकम की बात कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ संज्ञाएं शाब्दिक रूप से प्लूरल होती हैं किंतु अर्थ के अनुसार सिंगुलर होती हैं, लेकिन जैसे शाब्दिक रूप से अगर फिजिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सिविक्स की बात करते हैं, सब में यस लगा है लेकिन रियालिटी में वो प्लूरल में दिखाई दे रहे हैं लेकिन सिंगुलर हैं। ओके, न्यूज में यस जुड़ा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है, दिस न्यूज इज नॉट डाउटफुल, श्योर है न्यूज भी सिंगुलर ही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त हों तो सबसे पहले ये बात हो चुका है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे तुम, वह और मैं मित्र मित्र हैं, मित्र मित्र मतलब देखिए यू ही एंड आई, यानी 2-3-1 वाला जो रूल मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 231 का रूल। करें कि यदि एक वचन में दो नाउन्स का प्रयोग हो रहा है और दोनों पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है तो वर्ब रूलर हो जाएगी। जैसे मैंने बोला है ना द हॉर्स एंड द कैरिज आर एट द डोर, अब देखिए दोनों के साथ द का प्रयोग आर्टिकल का यूज हुआ है। जैसे अगर मैं बोल दूँ द प्रिंसिपल द मैनेजर तो वहाँ पर प्लूरल क्रिया होगी, लेकिन द प्रिंसिपल एंड मैनेजर तो इज का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर अलग अलग द यूज हुआ है तो सीओ ने कि यहाँ पर देखिए आर आया हुआ है, इसी को बताया जा रहा है। जैसे और देख सकते हैं बैट और बॉल मेज पर हैं तो द बैट एंड द बॉल आर, यानी बैट और बॉल मेज पर हैं तो द बैट आया है, द बॉल आया है तो आर हो गया है, और यहाँ पर बैट एंड बॉल किसी के साथ नहीं आर्टिकल लगा है तो इज हो गया है, और किसी के अगर दो बैट एंड बॉल भी लिख देना तभी इज का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अलग अलग आर्टिकल दो का यूज होता है तो क्रिया प्लूरल होगी।
यदि दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में एज वेल एज से जुड़े हुए हों और तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है एज वेल एज वाले प्रयोग किया गया है, लेकिन एक बात वही कह रहा है कि जो पहले यूज किया गया है एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसमें यूज होगा। जैसे एज वेल एज माई फ्रेंड्स, एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर, यानी मेरे मित्र प्लूरल है, और इसीलिए यहाँ ध्यान रखिएगा एज वेल एज के पहले जो करता है ना उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया का यूज करेंगे। यदि दो कर्ता एक ही वाक्य में हो, दोनों सिंगुलर हो, प्रत्येक के पूर्व इच या एवरी लगा हो तो क्रिया सिंगुलर होगी। प्रत्येक लड़की या प्रत्येक लड़के को इनाम दिया गया तो इच गर्ल एंड इच बॉय वाज गिवन प्राइज, तो इच आ गया तो सिंगुलर हो जाएगा। एवरी बुक एंड एवरी नोटबुक वाज ऑन द टेबल, तो एवरी आ गया और एवरी नोटबुक आ गया तो श्योर है कि हम सिंगुलर क्रिया का यूज करेंगे। यदि वाक्य में वन वन ऑफ नन ऑफ इच ऑफ एवरी वन ऑफ का प्रयोग हुआ है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो प्लूरल और प्लूरल नंबर का होता है वह, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे इच वन ऑफ यू, अब देखिए प्लूरल है, यू प्लूरल है, क्या है प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। इच वन ऑफ यू हैज़ बीन सेलेक्टेड ऑफ द टीम, तो इच आ गया है तो सिंगुलर सिंगुलर, वन आ गया है तो सिंगुलर, बस इसी को ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है यू और थिप्स दोनों प्लूरल है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यदि वाक्य में ए मेनी मेनी ए का प्रयोग हुआ है तो वर्ब हमें कह रहे हैं वर्ब जो जो क्रम होगा वो इसके आधार पर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ए मेनी है और मेनी ए है तो कह रहे हैं कि मेनी ए आया होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा और सिंगुलर वर्ब, लेकिन ए मेनी आया होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मेनी ए वर्कर्स इज एफिशिएंट, तो देखिए मेनी ए आया है तो वर्कर्स आया है, वर्कर वर्कर्स नहीं होगा, वर्कर होगा, इज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और तो यहाँ पर वर्कर्स नहीं होगा, इज एफिशिएंट तो ये हो जाएगा, और ए मेनी आया है तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा, तो कंपटीशर्स आर टैलेंटेड, ठीक है, तो आर आया है प्लूरल के लिए, ठीक है। ए रहा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको मजा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।